अमृत जी न्यूज की ओर से मैं रंजन कुमार अमृत जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ परिसर में विकसित बिहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अवसर है श्री ब्रजकिशोर प्रसाद जयंती समारोह। नमस्कार सर, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग भी आए हैं विकसित बिहार प्रदर्शनी देखने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि संपूर्ण बिहार जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले था उसमें स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोगों ने अपना जान की बाजी लगाकर प्राप्त किया इसका आभास उसको देखने से हो जाता है जी। और हमारे सुबंध पांडे जी हैं। अपना नाम बता दें। मैं तो योगेंद्र प्रसाद मिश्र हूँ जी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में अर्थ मंत्री हूँ और आप हैं डॉक्टर सुबंध पांडे जी हूँ बिहार हिंदी साहित्य प्रधानमंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं जी। और आज बसवेश्वर बाबू की जयंती के अवसर पर यह प्रदर्शनी यहाँ के छात्रों के द्वारा, छात्रों और शिक्षकों के द्वारा लगाई गई जी, कि कोई टेक्निकल आदमी नहीं यहाँ के लोगों ने, और इसमें बिहार की पूरी संपदा साहित्यिक सांस्कृतिक जितनी संपदा है सबको दर्शाने की चेष्टा की। अगर ये पूरे को कहीं आपका कैमरा बंद कर लें, बिहार का एक अच्छा प्रामाणिक इतिहास और प्रामाणिक भूगोल जो है तैयार हो जाए। ये कॉलेज है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा प्रसन्न महाविद्यालय जी, बी एड कॉलेज बिहार विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ परिसर में स्थित है ये कॉलेज है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं तो अमृत जी न्यूज से हूँ, अमृत जी न्यूज चैनल है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आनंद किशोर शास्त्री है और बिहार विद्यापीठ में की ओर से यह प्रदर्शनी लगाई गई है ब्रजकिशोर बाबू की जयंती पर, जिसमें पूरे बिहार के विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट कवि, बड़े कवियों, रचनाकारों और बिहार की समस्त विशिष्ट संपदाओं को दिखाया गया है। और ऐसे कोई उस तरह के चित्रकार कलाकार यहाँ के कलाकारों की प्रदर्शनी नहीं है, यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा, साधारण विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी है और उनकी टिप्पणी भी है, बच्चों को की तस्वीर को इन्होंने लिया है और यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरा बिहार दर्शन है शायद। नमस्कार, देखिए बच्चा बनाया है, क्या दिखाई है? टीवी वाले चैनल वाले आए हैं, संयुक्त बिहार जब उड़ीसा से एक साथ था। अच्छा, उड़ीसा एक साथ था, झारखंड। आपका शुभ नाम? फातिमा कौशल। ये बी एड कॉलेज में है देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एल एड कॉलेज, डी एल एड स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ, आप भी देख लीजिए। आपका कौन सा? सर ये अशोक नाम हो गया, ये सर वेस्ट सामान से बना हुआ है, जो कूट कहते हैं इसको। अच्छा, से बना हुआ है सर, वेस्ट मॉडल से बना, रद्दी चीज़। हाँ, रद्दी चीज़ से बना हुआ है। क्या है ये? डॉल, गुड़िया है सर, गुड़िया है। बहुत अच्छा, हाथ में ले, हाथ में उठा सकते हैं। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर रीना कुमारी हुआ। रीना कुमारी, इसी कॉलेज में स्टूडेंट? जी, इसी कॉलेज में डीएलडी की छात्रा हूँ। ये सर पेपर से बना हुआ है, पेपर हाँ। से न्यूज़पेपर से पेड़ बना हुआ है और कपड़ा भी शायद यूज हुआ है, जो कि कुछ कपड़ा भी यूज हुआ है इसमें सर, पेपर है और कपड़ा है। हाँ, हाँ। यहाँ पे छोटा टुकड़ा टाइल्स का है और सर इसमें सपोर्टिंग के लिए तार दिया गया है। क्या दिखाई है ये सर? ये बताना चाह रहे बिहार की क्षेत्रीय भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा है जो सात है, जो इसमें है भोजपुरी, संस्कृत, उर्दू, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, ये सब है। यहाँ सर, यहाँ कृषि से जुड़ा हुआ है जो बिहार में जो कृषि होता है जगह का, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया गया है सर कि कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ उगता है। बहुत सारा, बहुत ही अच्छा, देखकर ही लग रहा है, पहली बार देखने को मिल रहा है बिहार की कृषि का इतना सुंदर रूप, कहाँ मिर्च हो रहा है, आलू, सब लोकेशन बताया गया, मक्का, सरसों, दाल, गेहूँ, बहुत ही अच्छा। किसका, किसने बनाया सर ये? दिव्या बनाई है, अभी नहीं है। अच्छा, वहीं बनी है।
बहुत ही सुंदर, बधाई जिसने भी बनाया है। जी सर। यहाँ सर ये भी न्यूज़पेपर से सर बना हुआ है। हाँ हाँ। उसी तरह उसी ये लगा गणित दिखा रहा है। हाँ, इस पे गणित जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से टेन तक होता है सर, सब्ट्रैक्शन ये इक्वल ऐड करके जो समझाने के लिए बच्चों को। आपका शुभ नाम? ऋषुराज। ओ आपसे तो मुलाकात हुई है सर। ये सर मिट्टी का दिया हुआ जो आपने भी बनाया क्या? सर मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो सर खत्म हो चुका है। ये सर मिट्टी का दिया है जो यहाँ के सहपाठी है लोग मेरे जो बनाए हुए हैं। डिजाइनर डिजाइनर दिया। और ये सर हुआ सोनपुर मेले का दृश्य। ओ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये किसने बनाया? सर ये हम ही बनाए। अच्छा, बधाई। जी सर। इसे फिर बचा के रखना है जी सर, क्योंकि फिर आगे भी काम है जी सर। ये इसी द्वारा बच्चों को भी हमको बताना है और जी जी बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आगे सब चैट बताइए। ये राजनीति हो गया लग रहा है। यस सर। बिहार की राजनीति। चंद्रशेखर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा, फिर किशोर देवी का शासनकाल कब से कब तक? संक्षेप में ही, संक्षेप में संक्षेप नाम कब से कब तक जिनका जिनका शासनकाल रहा है? वो शासनकाल का बात है। यहाँ सर रावड़ी देवी का है जिनका जन्म शासनकाल वो राष्ट्रपति शासन में से इनके बारे में नीतीश बाबू के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे कि नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, वर्तमान 1 मार्च 1951 में हुआ था इनका शासनकाल, 2005 से लेकर अभी तक चल ही रहा है, 2015 तक अभी तक अभी तक चल अभी तक है। ये सर बिहार के राज्यपाल हुए माधव त्रिहरी सिंह, और ये सर हुए आनंदी वाटर वो शासनकाल में रहे जो जाकिर हुसैन ये, और आ जाइए इधर आ जाइए इधर बताइए। हाँ उन्होंने सर बिहार के राज्यपाल का वही शासन नित्यानंद का दिया हुआ है। ये देवकांत बरुआ है और ये जगन्नाथ कौशल है सर शासनकाल में रहे। हुआ सर ये थे क्या नाम है उनका, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जो ये हमारे कवि हुआ कवि हैं राष्ट्र कवि हैं, और ये हैं सर रामवृक्ष बेनीपुर इनका छोड़ दीजिए इनको बिहार के राज्य। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है, मैं डीएलएड कर रही हूँ बिहार विद्यापीठ। ये राज बिहार के राज्यपाल है ठीक गोविंद नारायण सिंह, आर डी प्रधान, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहम्मद सफी कुरैशी, सुंदर सिंह भंडारी, पीसी पाटिल, एमा और बूटा सिंह, गोपाल सिंह गांधी, आर एस गवई, डी वाई पाटिल, केसीनाथ त्रिपाठी, रामनाथ कोविंद, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन। अभी लालजी टंडन जी हैं। अभी लालजी टंडन जी हैं 2018 बिहार के माननीय राज्यपाल। धन्यवाद। तो ये हो गए बिहार के प्रमुख खेल व स्टेडियम, जैसे कि राजेंद्र स्टेडियम है छपरा में, मोइनुल हक पटना में सर, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे स्टेडियम है जो कि हमारे बिहार में स्थापित है। फिर बिहार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि अलग अलग खिलाड़ी सर हमारे बिहार टीम को रिप्रेजेंट करके हमारे राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए थे, उन सभी के यहाँ पे फोटोग्राफ, जैसे कि सर मैराथन में योगेंद्र, क्रिकेटर में सवा करीम, फुटबॉल में गोमल व टेबल टेनिस में नमन कुमार, और फिर शतरंज में कुमार गौड़। आगे में सर ये त्यौहार हो गया बिहार के त्यौहार, आपने बनाया। आपका शुभ नाम? जूही कुमारी। बहुत अच्छा, बताइए क्या क्या है? ये है सामा चकेबा जो मतलब मिथिलांचल की तरफ, ये सारी मिथिलांचल की तरफ होने वाली है। मिथिलांचल का पर्व त्यौहार है? हाँ। और नहीं सर ये पूरे बिहार में मनाई जाती है जो सामा चकेबा है, ये बट सावित्री पूजा है। ये भाई बहन का त्यौहार है सामा चकेबा? भाई बहन का हाँ ये सामा चकेबा। और ये बट सावित्री जो मतलब सुहागिन महिलाएँ होती हैं उनके लिए, और ये है जीजिया, जीजिया जो मतलब दशहरे के टाइम में मतलब लड़कियां गांव के मिलके खेलती हैं। हाँ। और ये है भाई दूज जो भाई बहन का त्यौहार है सर, और इस पे कलम दवात का भी पूजा होता है इसी दिन। और
ये है संग्रहालय सर, बिहार की प्रमुख संग्रहालय। बिहार म्यूजियम भी दिख रहा है। हाँ सर, जितने भी संग्रहालय है हमारे बिहार में, पटना म्यूजियम यहाँ पे। यस सर, पटना म्यूजियम दरभंगा। ये हुआ खुदा बख्श ओरिएंटल, ये पब्लिक लाइब्रेरी है सर। और ये अपना बिहार लिखा हुआ है सर, मधुबनी पेंटिंग के थ्रू। और ये है मधुबनी पेंटिंग में कोबर आप बनाई है। यस बहुत अच्छा, बहुत पुराना लग रहा है ना। ये तो हम बनाया सर, लेकिन इतना कम टाइम मिला है हम लोगों को ये प्रेजेंट करने के लिए, तो ये नहीं बन सकता था। ये बना हुआ था आपके पास नमूना? हाँ, था। बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। यहाँ के पर्यटन स्थल में बिहार के ना? हाँ सर, बिहार के मुख्य पर्यटन नाम बता दीजिए सर। जैसे कि पटना महावीर मंदिर, हाँ। जो कि हमारे यहाँ पे जंक्शन पे है, पटना जंक्शन, पटना साहिब का गुरुद्वारा, हाँ। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था, और ये सिख के दसवें महान में से एक थे, गुरु महान दसवें गुरु। और अभी 352वां प्रकाश जयंती अभी चल रहा है, जो कि आज मनाया जा रहा है। इससे पहले से 2 साल पहले जो कि 350वां जयंती था, उसमें बिहार के अलावे से देश और विदेश के कई जगह से सर सिख व अनदर कम्युनिटी के लोगों भी वहां आ करके इस पर्व का पूरा महोत्सव का आनंद उठाए। तो सर ये सिरसा सूरी का मकबरा हो गया सर यहां पे, जो कि सर यहां पे संक्षेप में ये बोध गया हो गया, बोध गया का सर, ये बुद्ध का ये मूर्ति, विशाल मूर्ति। हाँ सर, मैंने दरगाह तो सर नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अब खंडर हो चुका है, ये वहाँ का सर, ये सदाकत आश्रम हम लोग का सर जहाँ पे विद्यालय है, क्योंकि सर इसको हम लोग इसलिए चिपका है क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का ये कर्मभूमि रही है, और बापू जी जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, वही उनका भी समय बिहार में अधिकतम बीता था। जिनके और सर ये जो बुनियादी स्कूल का जो नींव डाला है यहाँ सर, ये सदाकत आश्रम बाबू का जो सपना था, जो वो देखे थे, जो नींव डाला गया था, जो बुनियादी स्कूल शुरू करने का, वो ठीक यहीं से शुरू किए थे सर। अपना सदाकत आश्रम से ही नींव डाला गया था बुनियादी स्कूल, वहीं से वो कस्तूरबा के पति जो सपना देखे थे, उन्हीं का ये दिया हुआ योगदान। जेपी भी यहाँ पे जी जी बहुत अच्छा पे भी देखिए बनाया है मॉडल। और यहाँ भी कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, जिनकी आज जयंती भी मनाई गई है यहाँ सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ, इन्हें नमन है। सांस्कृतिक जो पर्व होती है मतलब की छठ, पवित्रता और आस्था का महापर्व छठ यहाँ देखने को मिल रहा है। इसका दृश्य देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ सदाकत आश्रम पटना, उसी महाविद्यालय की छात्र छात्राएं हैं, शिक्षिका हैं, जो सभी यहां दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं छठ महापर्व का। कॉलेज परिसर में ही अल्पना भी बनाई है, और भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं ताकि विश्व में सुख शांति हो और बिहार का नाम दुनिया में रोशन हो, बिहार में सुख शांति समृद्धि भाईचारा सांप्रदायिक सद्भाव हो। सभी प्रसाद भी दिख रहे हैं इसमें, ठेकुआ, केला, नारियल, दीपक,
दौरा भी रखा हुआ है। छात्राएं छठ गीत गा रही हैं। माहौल पूरा छठ का बन गया है कॉलेज परिसर में। अपना परिचय देंगी। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर पूनम वर्मा। यहाँ तो कॉलेज परिसर में पूरा एकदम लग रहा है बिहार दर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? श्री ब्रजकिशोर प्रसाद की जयंती के अवसर पर यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है विकसित बिहार, और यहाँ जितना सब देख रहे हैं बनाया हुआ, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने खुद अपने हाथों से बनाया है कुछ चीज़ें। जैसे उधर आपको पेड़ नज़र आएगा, बच्चों ने जो पेपर होते हैं वेस्ट मटेरियल उससे बच्चों ने बनाया है बहुत कुछ, और सारा कुछ जो टीचर्स हैं यहाँ के उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है बच्चों को, उनके मार्गदर्शन में ही ये सारा कुछ हो पाया है। यहाँ छठ का माहौल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सजीव आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरा छठ का माहौल है, बिल्कुल सभी लग रहा है कि भगवान सूर्य को शाम का अर्घ्य दे रही है, श्रद्धा भक्ति भी दर्श रहा है, क्योंकि ये बिहार का महापर्व है इसलिए इसको दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। पूरा लग रहा है कि ये पूरा बिहार दर्शन हो रहा है, बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है, और यहाँ तो छठ का पूरा माहौल ही प्रस्तुत कर दिया छात्राओं ने, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, अपने नाम बताएंगे जरा। मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर। कौन सा विषय? सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जी, अपना नाम बताएंगे? निखिल कुमार। मेरा नाम निखिल कुमार है। बहुत बहुत बधाई है कि आपके स्कूल के छात्राओं ने पूरा बिहार दर्शन का दृश्य प्रस्तुत कर दिया है कॉलेज परिसर में। बिल्कुल, कॉलेज का तो एक माहौल सा बदल गया है जी, जो हमारे कॉलेज के बहुत गर्व की बात है। और इधर जरा संक्षेप में जरा कुछ बता दें, संक्षेप नहीं चलेगा। हाँ चलिए, बोलिए बोलिए। जैसे कि बिहार के खान पान, बिहार के सर जो प्रमुख खान पान बोलिए बोलिए ऐसे बोलिए बोलिए हाँ बोलिए हाँ बोलिए हाँ ना क्यों बोलिए आप, बिहार के खान पान प्रमुख क्या है बताइए ना। उधर नहीं दिखा, उधर नहीं दिखाया आप हमको। बोलते लिट्टी चोखा, मोतीचूर के लड्डू, काला जामुन, तिलकुट, शिलांग का खाजा यहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और ये मुजफ्फरपुर की लीची। बिहार बिहार स्कूल ऑफ यूथ, ये सर 1964 यहाँ इनके बारे में विद्यापति 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 के बारे में जरा बताइए, विद्यापति विद्यापति के बारे में बताइए, विद्यापति के बारे में। ये मिथिला भाषा का शीर्ष कवि है विद्यापति, जिनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान मधुबनी जिले में हुआ था। और विद्यापति गीत जो है वो दुनिया भर में मशहूर है, जय जय भैरवी असुर भयाउनि, बहुत अच्छा। और मृत्यु उनका 1448 ईस्वी में, बहुत अच्छा बधाई। उधर था उधर सोनपुर मेला भी है। नमस्कार सर, आपके कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ध्यान।